समस्या उन्होंने कंपनी से लग रही है, गलत से बच गए, लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, जो समस्या बच हमारे आने वाले हैं उन्होंने हमें बोला कि आप अपना सामान का खुद ख्याल रखें, क्योंकि लाहौरियों को कोई भरोसा नहीं, वो पैसेंजर के साथ आके बैठते हैं टिकट के जो भी रिलेटिव होते हैं और फिर वो उठा के दूसरे उठा के ले जाते हैं। भाई कितने का है? 10 रुपए एक। ये चमचम करने के लिए लोगों ने धांधली हो रही है, जो बच गया वो फ्री में दे देना सबको, है तो कस्टमर्स के लिए, लेकिन नहीं लोग बेच रहे। तू तो फ्रेंच फ्राइज नहीं लेकर आई? फ्रेंच फ्राइज नहीं लाई आप? वेलकम बैक टू रावलपिंडी। इस टाइम पर ढाबे पे और हम नाश्ता करने के बाद हमें जाना है ट्रेन पर, और मैं आपको जो है वो ग्रीन लाइन ट्रेन का पूरा रिव्यू करके बताने वाली हूँ। चलो चलो। तो भाई हमने जो है वो पोलर कार करवाई है ग्रीन लाइन की, तो भाई उसका एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पोलर कार के अंदर ट्रैवल करूंगी, क्योंकि उससे पहले जो है मैंने काफ़ी ट्रेन में ट्रैवल किया है लेकिन ग्रीन लाइन हमें मिलती नहीं थी बिकॉज ऑफ दी रश, और अभी जो है फाइनली हमें ग्रीन लाइन मिल चुकी है। तो ग्रीन लाइन का ट्रैवल देखते हैं कैसा रहता है और इस रिव्यू आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो चलो चले। आप वापस जा रही हैं? आपका ट्रैवल हो गया? आपका ट्रैवल हो गया? आपका टूर कैसा रहा? एक दिन और टूर बाकी है, 24 घंटे 22 घंटे का। अब मैं पहली बार ट्रेन में बैठने वाली हूँ। भोंगा बच चुका है ट्रेन का, मरियम कैसे भाग रही है? वो कौन सा वाला सीन था, वो शाहरुख खान वाला कौन सा सीन था? तो भाई व्लॉग को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस व्लॉग में हम बहुत बहुत सारी मस्तियां करने वाले हैं और आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यूज भी शेयर करने वाले हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारा सामान आप ऊपर रख सकते हैं अपना सेफली, और हमें यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई बिजनेस क्लास में, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं इस वीडियो में। पति, हाउ आर यू फीलिंग देयर? बस इज गुड और ट्रेन? ट्रेन इज बेटर। फीलिंग लाइक ये ट्रेन हमारा बस है। सेम। बेटा पैसे भी ऐसे लेकिन 9,000 रुपए की हमारी 5.5 की थी ना जो बस थी, लेकिन ये लेट्स सी मैं बोलती हूं आगे क्या होता है। आगे का सफर अब जब तय करेंगे तो हमें पता चलेगा, फिर हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। ऑनेस्ट रिव्यू। लीवर है, ये लीवर है और ये लीवर को पीछे करेंगे तो बस हिलती पीछे। ओके, दिस इज बेस्ड इन पीआईए अपना पूरा राशन लेकर आना और किचन के अंदर आप खाना वाना सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपको इजाजत है, फूड बना सकते हैं या वो चीजें जो माइक्रोवेव में बन जाए। ये जो अभी आपको पूरी खाली खाली लग रही है ना, ये अभी आगे स्टेशन में भरने वाले, जितने मजे ले रहे हैं ना अभी ले लो, हैदराबाद नहीं आता, हैदराबाद नहीं आता, हैदराबाद में उतरेंगे जी, उतरेंगे हैदराबाद में उतरेंगे। अभी आपने तो बोली करा के जानी है, चल रहे पागल है क्या? हाँ नहीं, इसकी हर बात तो सीरियस लेना जरूरी है तुझे, तू भी बोल रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सारे कंपार्टमेंट्स, और नहीं खोल, पता चला कोई अंदर हुआ था, अंदर है पुलिस वाले। इट्स लाइक दिस। हाँ जी, बिजनेस क्लास ये भी अच्छी है लेकिन इसमें वो एलईडी वगैरह नहीं है, एक एलईडी है। हाँ, एक ही है बस, ऐसा नहीं है। और छह लोग, ये लेटने आपको ज्यादा आराम का शौक है आपने, बस लेटते रहो तो, और अगर छह लोग हैं तो छह ही लोग आ सकते हैं। इधर पंखा है। हाँ पंखा है इधर, एक ही वॉशरूम में कोई मैंने ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो पहले यूज किया हुआ है, तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा होता है की अगर आप 3 लोग हो या 4 लोग हो ना तो आपके साथ दूसरे लोग भी अंदर आ जाते हैं, तो लोग अंदर आ जाते हैं तो फिर थोड़ा मसला होता है सोने में, क्योंकि ये वाला जो है ना ये बिल्कुल नीचे होती है, तो आप लोग जो है अपना पैर तरह से करके आप जो है लेट सकते हो, लेकिन इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है बिल्कुल आप कंफर्टेबली नहीं लेट सकते, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आपको दूसरे पार्ट जो दिखाने के लिए, आगे कुछ भी नहीं है, ये भी जो है यहाँ पे सफाई का सामान खड़ा हुआ है, और ये वाला अपार्टमेंट है इधर तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, पक्का है बस। जी हाँ, ये टॉयलेट है इनका, ये सारे कंपार्टमेंट होंगे। हम जो है वो बिल्कुल आई थिंक सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट में बैठे हुए, तभी हमने अभी तक आपको जो है वो 2 कंपार्टमेंट विजिट करवाए हैं। अब हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे के साथ क्या सीन है। यहाँ पर अभी तक वो वाला कंपार्टमेंट नहीं आया जो कि बेचारे बिल्कुल गर्मी में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे शीशे खुले हुए होते हैं, मिट्टी मुंह पे लग रही होती है, जहाँ पे ऐसी कचर 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 आवाज आ रही होती है, तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन है। तो भाई अभी तक का बेस्ट
कंपार्टमेंट ये वाला रहा है हमारा, अभी तक का बेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, असल ट्रेन जो है ना वो ये वाली है, ये दुनिया में पहली ट्रेन, जी दुनिया की सबसे पहली ट्रेन इस तरह की निकली थी, जो कि बिल्कुल मुंह में मट्टी घुसती थी और यहाँ पे बैठना पड़ता था और इसमें से आवाज खटर 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 कचर 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 आवाज़ें आती थी, पूरा टाइम दिमाग खराब होता था। तो इसकी कदर करनी चाहिए, ये है हमारी पाकिस्तान की पहली ट्रेन जो कि इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन ये वाली है चाइना की ट्रेन। आप बैठना पसंद करेंगे इस ट्रेन में? कभी बैठी नहीं, कभी बैठी नहीं। अगर आप पहली बार उस ट्रेन में बैठी तो आपको क्या कह सकता भाई? रुक जाती है और अगली बस का है। हम बस में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं इस ट्रेन में भी बैठ चुकी हूँ, मैंने हर तरह का एक्सपीरियंस किया है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी। ये देखिए यहाँ पे ये कचरे का डब्बा भी है, डस्टबिन भी यहाँ पे कचरा फेंक सकते हैं। इस पॉलर केबिन के अंदर काफी कम लोग थे क्योंकि ये बिजनेस क्लास है और इसके रेट्स थोड़े से हाई है, इस वजह से लोग कम होने की वजह से हमने खूब इंजॉय किया ब्रो। तो हमारी ट्रेन रावलपिंडी से 3 बजे की थी और जैसे ही हम जाके बैठे तो 15-20 मिनट के बाद इन्होंने हमें ये रिफ्रेशमेंट दी, चाय और समोसा, ताकि जो हमारे पेट में चूहे दौड़े वो भाग जाए। तो भाई यहाँ पर आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, यूएसबी की भी जगह दी हुई है और प्लग की भी जगह दी हुई है, तो ये इजी हो गया। यहाँ पर सीन ये हुआ है कि ये सीट ऐसी है तो सारी सीट ऐसी है और सीट्स मुड़ भी जाती है। ये क्या किया तुम लोगों ने? जादू किया। अब क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को? ये चमचम करने के लिए लोगों ने सीट मोड़ी। ये जो सीट है ये इस तरह से टर्न भी हो जाती है, तो भाई अगर आमने सामने बैठ के मस्तियाँ करनी हो तो इसे टर्न कर लेना। ये चीज ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, तो ये चीज देख लो। ये अच्छी है ना, बस से भी ज्यादा, बस से ज्यादा अच्छी है। आराम से बंदा पैर देखो लंबे करके। हाँ मतलब ये पाकिस्तानी ना कहीं पर भी नहीं सुधरेंगे, डस्टबिन दिया हुआ है उसके बावजूद आप कचरा फेंक रहे हो, यार ये सफाई कर रहे हैं। भाई कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए समोसा तो लग रहा है 50 से एक चीज 1000 रुपए। 200 रुपए 2000 वापिस रख, वापिस रख। अभी हम कर रहे हैं हिसाब किताब, इधर दिखाना मुझे, ये जो इन भूखों ने खाया है ना टूर के लोग जितना भी, ये उसका हिसाब किताब हो रहा है अभी सारा। तो अभी जो है वो 14,150 में से 600 निकाल। हो गया सब क्लियर, बराबर पक्का है, अभी कोई मसला तो नहीं है तुझे? देख बाद में बोलेगी तुमने 10 रुपए दे दिए। मैं दूंगी 1 रुपया भी नहीं। तो भाई हम लोग कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं तो अमेरिकन सिस्टम करते हैं, मतलब अपना अपना करते हैं भाई, अपना दो, किसी का कोई नहीं देगा। भाई कितने का है? 10 रुपए एक। 10 रुपए की एक थोड़ी है, 7 रुपए की है। 100 रुपए एक। हम चेरी जो लेके आए ना हंजा से, वो बेचते हैं उनसे की चेरी। बिजनेस माइंड बन गया था वापस कुछ बेचने के लिए। कॉफी दे रहा है भाई वो कॉफी 150 के कॉम्प्लीमेंट्री चल रही है, इसे बिक बिक कर रही है। हाँ तो मैं भी तो सोच रही हूँ मैं ये भी बेच दूँ। देखिए जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री वो मैं आपको बता रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वो सेल करने के लिए आ रहा है, तो मरियम इकनॉमी ये सेल करने वाली है। क्या है क्या, जो चीज़ ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं और वो चीज़ बच रही है ना, वो चीज़ बच रही है ना, तो वो चीज़ ये लोग सेल कर रहे हैं। जैसे समोसा लग रहा है ये गलत हो रहा है, लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, जो समोसा बच गए वो अभी 50 रुपये का बेच रहे हैं, तो आई थिंक ये धांधली हो रही है यहाँ पर। नहीं कॉफी तो दी नहीं ना कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो बेच रहे हैं। वो तो 200 रुपए मेरी बॉटल फुल आ गई वापस। धांधली हो रही है, दोस्त बच गया, वो फ्री में दे देना सबको, है तो कस्टमर्स के लिए, लेकिन नहीं बेच रहे। झूठ बोलती है साली। कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री चीजें खरीदी है, इन लोगों ने खरीदी है अपनी बीवी के लिए। कॉफी पिला रहा हूँ मैं अपनी बीवी को। हमको नहीं खिलाएगा? मेरे को पिलाऊं? मेरा मियां है, मेरे पास पीना नहीं है, मुझे पिया चाहिए। कितने की है भाई? ये बंदा इतना तंग हो गया, इन लोगों ने इतना तंग किया है ना इसको कि वो भी रेट ही नहीं बता रहा कितने की है। की तबीयत खराब होती रहती है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। पीनी चाहिए भाई। हाँ तो चक्कर नहीं आता आपको, वरना गिरने वाली थी अभी। जी नहीं, गुड फॉर हेल्थ, अल्लाह क्या हो गया, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर बोन्स, ठीक है। आपने आपको जो है क्या चीज़ है, केक
नो ये बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाहौर आने वाले और हमें क्या बोला? लाहौर आने वाले उन्होंने हमें बोला कि आप अपना सामान का खुद ख्याल रखें, क्योंकि लाहौरियों को कोई भरोसा नहीं, वो पैसेंजर के साथ आके बैठते हैं टिकट के जो भी रिलेटिव होते हैं, और फिर वो उठा के घुस उठा के ले जाते हैं। उन्होंने हमसे जो है वो हेडफोन्स भी ले लिए कि हमें दे दें हमारे हेडफोन्स वापस। जब वापस चल जाएंगे ना ट्रेन, लाहौर वाले सारे उतर जाएंगे, पैसेंजर बैठ जाएंगे, ओ पैसेंजर रिलेटिव उतर जाएंगे और पैसेंजर बैठ जाएंगे, तभी वापस हमें दे देंगे। अभी उन्होंने हमसे हेडफोन्स भी ले लिए, डर है कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो जा रहे चोर। हमसे कहा कि हम अपने बैग की हिफाजत करें, मतलब लाहौरियों मतलब नहीं करा करो ना यार, अजीब, मतलब क्या क्या, हम पाकिस्तानी मुसलमान है, मुसलमान ऐसे काम नहीं करते क्यों? वाह वाह, बहुत बुरी बात, शर्म आई मुझे, बहुत ज्यादा मुझे बहुत दुख हुआ। दुख हुआ ना, मतलब हम पाकिस्तानी ऐसा काम करें, मतलब चोरी करे मुसलमानों का काम। हमारी खुद दो चीजें चोरी हो चुकी हैं। हम जब वो दो चीजें मरियम की थी, हम जब आके यहाँ बैठे ना, हमने अपना पूरा सामान अपना रख दिया, तो हुआ ये कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पेप्सी की और एक पिलो था जो कि बिल्कुल छोटा सा था, वो चीज़ यहाँ से गायब हो गई। क्योंकि जब इस्लामाबाद के पैसेंजर के साथ जो रिलेटिव आए थे ना, वो था कि ले भाई रखो चक्कर ले गए, मतलब क्या कितने दिन पीलोगे, कितने दिन सोलोगे उस तकिए पे, कितने दिन गुची का था, हाँ गुची का तकिया उठा, मतलब देखा ब्रांड उठा के ले गया, मतलब हद हो गई यार। अच्छी शक्ल देखो, ओ भाई वो भाई वापस से जो है अपनी दुकान चमकाने के लिए आ गए हैं लोग। इसको चेक करो, ये बैठ के ड्रामा देख रही है, इसको बिठाया हमें लाहौर स्टेशन के सामान को देखने के लिए, और यहाँ बैठ के ड्रामा देख रही है। तुझे यहाँ पे बिठाया किस लिए? ड्रामा देखने के लिए बिठाया है? हाँ तू सही से काउंट कर भी रही है, क्या हुआ? क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? कैसे गिरी? ये मुझे लग रहा है ट्रेन से उतरी होगी, उसका पैर फिसल गया होगा। गलत वाली तो नहीं गोली खाई? कौन सी गोली खाई थी तूने जो तू गिर गई? चक्कर तो नहीं आ गया तुझे? नहीं, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज नहीं लेकर आई। नाजुक नाजुक हाथों को इतना कठिन रास्ता उठाना पड़ा यार, अनु के गिरने वाला ना वीडियो होनी चाहिए थी। हम यहाँ पे सामान की रखवाली कर रहे थे और ये बाहर गिर कर आई है। लोगों ने हमें ये रायते भी दिए हैं, रायते के बाद हमें ये डब्बा दिया है। खाना जो है वो हम गरम करवा कर लाई है अभी, क्योंकि खाना हमारा ठंडा था और गरम हुआ है थोड़ा। तो आप लोग जो है अगर आपका खाना ठंडा हो तो आप कहें कि हमें खाना गरम करके दो भाई। गुलाब जामुन मिला है, मरियम ने खा लिया, बताओ कैसा था गुलाब जामुन? बहुत मजे का था, दो तीन और होना चाहिए था। रिव्यू तो खाना जो है बहुत अच्छा था, हलीम थोड़ी सी स्पाइसी थी जो कि अच्छी लग रही थी, उसके अलावा बिरयानी भी अच्छी थी, स्पाइसी थी, चिकन कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, और नान के 3 पीसेस थे 3 स्लाइसेस में, तो खाना ऐसा था कि पेट भर गया और मजे का भी था। अच्छी क्वालिटी लग रही, क्वालिटी भी अच्छी थी, कोई मतलब ऐसी स्मेल नहीं थी तेल की, ऑयल की, जैसे अक्सर होता है जहाँ के खाने में, हमारे टाइप का खाना था, हमारे टाइप का घर वाला टेस्ट था। अभी पता नहीं भाई ये क्या बांट रहे थे, समझ नहीं आया, तो मैंने बोला खोल के देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। तो भाई इन्होंने ये रेजर और शेविंग क्रीम दी है, टूथब्रश और टूथपेस्ट समझ आता है, चलो ठीक है, ये शेविंग क्रीम और रेजर क्यों दिया भाई? सुबह हो चुकी है और पहले मैं फ्रेश हो गई, मैंने बोला फ्रेश होने के बाद जो है आप लोगों से बात की जाए। इन लोगों ने हमें ला के दिया है ब्रेकफास्ट और चाय। ब्रेकफास्ट पूरा ठंडा हो रहा था और पराठा थोड़ा सा हार्ड हो रहा था और हल्का सा जला हुआ भी था। ब्रेकफास्ट से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, जला आपको कैसा लगा सोता?
मेरी भी गुजर रही थी आधी रात, मेरी गुजरी थी आधी तुम्हारी गुजरी। इस तरह से हो ना तो बंदा आराम से सो सकता है, लेकिन उस पर नहीं सो सकता। ओके सो ब्रो, हमारा जो है वो एंड सफल चल रहा है। हम हैं इस टाइम पर हैदराबाद स्टेशन पर, और अगले एक से डेढ़ घंटे के बाद जो है वो हमारा स्टेशन आने वाला है कराची। तो रिव्यू इज़ दैट कि मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फूड वाज परफेक्ट, खाना जो था वो रात को बहुत अच्छा मिला, और दोपहर शाम में हमें रिफ्रेशमेंट मिली थी, और इन्होंने बीच में हमें एक किट भी दी थी जिसके अंदर शेविंग क्रीम और इस तरह की चीज़ें थी। तो हर चीज़ जो थी वो तो आप लोगों ने वीडियो में देखा, तो हर चीज़ जो है वो मुझे परफेक्ट लगी, बहुत ज़्यादा आराम से सफर था। और बाकी का रिव्यू लेते हैं मरियम और अनम से। तो बताएं ग्रीन लाइन पॉलर केबिन के बारे में। बताएं ग्रीन लाइन पॉलर कार जो है वो मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेसिकली ट्रेन का, ठीक है। तो ट्रेन में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा रहा जो कि ये पॉलर कार का है। और रात से लेकर जैसे हम कल 3 बजे हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, और फिक्स एग्जैक्ट 3 बजे स्टार्ट हो गई थी। ऐसा नहीं कि 3 बजे के बाद स्टार्ट हो, 3 बजे स्टार्ट, फिर बैठे ना बैठे। फिर उसके बाद ये हुआ कि रात का खाना बहुत अच्छा था, ये नहीं कि अजीब सा खाना मिले, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी थी, ऐसा लगा था पेट नहीं भरेगा, लेकिन उनसे पेट भर गया। इवन आखिर में एक स्वीट डिश भी थी, वो था गुलाब जामुन, जो कि अब मरियम और मुझे दोनों को अच्छा लगा। तो ओवरऑल रिव्यू ये है कि आपको सारी फैसिलिटीज ये कि आपको क्या कहते हैं रूट में मिल रही है, आपको कहीं उतरना नहीं पड़ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, साफ सुथरे वॉशरूम्स है, हर चीज़ का वजू की फैसिलिटीज है, नमाज पढ़ सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत अच्छी रही। तो इट वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस, मेरा तो ग्रीन लाइन का कल से लेकर अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रह रहा है। और हम अभी हैदराबाद स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, कराची आने वाला है। तो अब तक का सबसे अच्छा रिव्यू यही है कि ग्रीन लाइन जो है अच्छी। आप बताएं इसका तो खाना ही नहीं खत्म हो रहा, मैं बस सोचती रहती हर वक्त। अब जिस तरीके से सुकून से बैठकर आया है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने सीट टर्न कर ली और इतने आराम से सुकून से बैठकर आए, जो कि बस में ऐसा सिस्टम नहीं होता। आप बस में इस तरह से रोमिंग नहीं कर सकते हो, आप इस तरह से फैमिली गपशप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग ग्रुप में आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है, आपने सब देखा होगा, ये सब चीजें नहीं आपको नहीं व्यू पसंद आ रहा है, कॉल कवर बटन भी है, सब चीजें यहाँ। और एक चीज मैं आपको ये बताऊँ कि स्लीपर बस और ट्रेन के जो है वो सेम प्राइस है, सिर्फ 50 रुपीज का फर्क है। तो मैं बोलता हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप ट्रेन केबिन जो है ये वाली कॉलर कार जो है उसको आप प्रिपेयर करें, ज्यादा बेहतर है। आपका लगेज ना आपके साथ ही, आपको जितना आइटम है वो और शूट किया है, कोई और कंपार्टमेंट में नहीं रखा, आपके साथ है, आपने जितना आइटम भरना है वो भरवा लिया। हाँ जी, और जो भी निकालना है, भूल गया कुछ निकालना, तो आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। अपने लगेज खोल के रात में शॉल्स निकाली, क्योंकि इधर का एसी बहुत चिल था, ठंडा हो रहा था बहुत ज्यादा, तो ये अच्छी लगा। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं बस को अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि बस में बहुत ज्यादा डीजी फील होता है, मुझे बहुत ज्यादा नॉइज हुआ पूरी रात, अजीब सी गुजरी हिल हिल कर। तो ये चीज जो है ना सबसे अच्छी है कि ये हिल रही है, इतना अच्छा इन्होंने स्मूथ जा रहा है, इतना स्मूथ ये पॉलर कार बनाई है, जो कि उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग के लिए, मुझे जैसे लोगों के लिए, मुझे बहुत होता था, मुझे बस में आने में बहुत वॉमिटिंग फील हुई, बहुत ज्यादा डीजी फील हुआ। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि वो लोग जिनको प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग में, वो लोग ये पॉलर कार यूज करें। आप क्या बोलेंगे, आप खाती रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? Maybe it's better to take plane if you want a short journey. But if you feel like the train loop is okay for you to take some view, because the facilities are very nice, so it's comfortable for you to take a ride, you can try this train. So do like, share, subscribe. Bye bye.